नमो अर्हंकारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्जायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधमुत्तम मंगलं वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्योदयन धर्मोच मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। ये झाया जाने कहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नानमय परम पणवी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते किच्छो भावाय भावाय सर्व भावान करच्छते। आत्मा उत्तम तत्व है। ये स्वाध्याय स्वाध्याय लगता ही नहीं है। घंटे दो घंटे सास पढ़ने दो चार सास पढ़ने आंखों स्वाध्याय कर दिया। मोह की दशा गहरी है कहना बहुत सरल है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, चाहे उस समय ज्ञान ज्ञान नहीं है, भाषित होना बहुत पुरुषार्थ का कार्य। लगता ही नहीं है स्वाध्याय। ये कला है आप रूप को जान पनो सो। आत्मा उत्तम तत्व है, महातत्व है, परम तत्व है, सहज तत्व है। ये आगम के विषय सब है। आत्मा उत्तम तत्व है, महातत्व है, परम तत्व है, सहज तत्व है। उत्कृष्ट होते हुए भी सहज है। उत्कृष्ट वस्तु को ऐसा मानते हैं जैसे कोई बहुत पानी जीवन के लिए कितना आवश्यक है। दूध नहीं हो चलेगा, रोटी नहीं हो चलेगी, पानी कितनी आवश्यक और हवा और कितनी सहजता से प्राप्त है। स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा बताओ क्या चाहिए, क्या पैसे हो किलो विचार करना। मिट्टी पानी हवा है, ये चिकित्सा प्राकृतिक वाले तो कहे सब लोगों की यही दवा मिट्टी पानी और हवा। अरे मट्टी है, जब मट्टी सही ठीक होने मट्टी सही दम है नहीं इसमें कुछ। तो हम ये कह रहे हैं कितनी सुलभ है, सरल है कि नहीं, अपने आराम है, लेकिन प्रमादियों के लिए बहुत कठिन है। यहाँ क्या है गांव में, चलो अपन अब वहां स्वच्छ हवा कहां से मिलेगी, स्वच्छ पानी कहां से मिलेगा, और थोड़ा बहुत चलो हैवी तो घुस गए हम भीतर एसी में बंद होके रात की सवेरे 9 बजे उठ रहे, कितना दुर्लभ है। अब को लेवे या दूध को करने लिया थे दिया। अब जी बताओ इसको दुर्लभ बनाने वाला महंगा बनाने वाला है कौन, हमारा विपरीत सोच के दूसरा। आज भी समझ में नहीं आती, हमारी टेंशन का कारण परिस्थितियां नहीं है, हमारी टेंशन का कारण शरीर की रोगावस्था नहीं है, हमारी टेंशन का कारण हमारे विपरीत विचार है। लगता ही नहीं, इतना गहरा मोह है कि वो घुसा हुआ भीतर। आज भी वो घर घर दिखाई देता है, ये ज्ञान ज्ञान दिखाई देता है, अपने आराम आराम दिखाई देता है, क्लेश क्लेश दिखाई देता है, बाहर भीतर की कुछ खबर नहीं। बस हम धर्म हमने व्रत ले लिया, हमने नियम ले लिए, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, बस। अरे रे प्रभु सोच सोच किसने बाधक बताया, हमारे विपरीत विचारों में। अब को उठ है को जाए, हमारे प्रमाद ने बाधक बनाया। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारि, लेकिन लगता थोड़ी ये आलस्य,
कमजोरी है, कमजोरी नहीं आलस है, कमजोरी नहीं है आलस है। कमजोरी अलग चीज होती है, आलस अलग चीज होती है, व्यवहार अलग चीज है, मिथ्या तो अलग चीज है, व्यवहार भी असत्यार्थ है लेकिन कथनचित किसी अपेक्षा। और असत्यार्थ असत्य और व्यवहार में अंतर नहीं है, झूठ नाम का पाप है और एक व्यवहार है, बोलो अंतर नहीं है। ज्ञानी को व्यवहार होता है लेकिन झूठ नाम का पाप तो नहीं होता, मिथ्या तो नहीं होता। तो जो आत्मा महातत्व है, आत्मा महातत्व है, परम तत्व है, उत्तम तत्व है, कल तक क्या 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 कर चुके, जिसको उत्तम तत्व की दृष्टि हुई अथवा उत्तम तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य हुआ, उसको खोटे विचार, जघन्य विचार, हीन विचार नहीं आए। यदि आते हैं तो हमने आत्मा उत्तम तत्व समझा ही नहीं, बढ़िया घी में मिट्टी की तेल की बदबू कहां से आ जाएगी, शुद्ध सोने में है वो लोहे का कालापन कहां से आए, काई कहां से आ जाएगी, सूर्य में अंधकार कहां से आ जाएगा, दुख वहां है, विपरीतता वहां है। विपरीतता का मतलब समझे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या माने विपरीत उल्टा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, चारित्र का मतलब विचार, वचन, चेष्टा, व्यवहार, व्यवहार चारित्र माने विचार, वचन और चेष्टा, और मग्नता वनिश्चय चारित्र। अब मिथ्या चारित्र में देखो मगन हो रहा है शरीर में, विषयों में, यह है मिथ्याचार। इन युत विषयन में जो प्रवृत्ति, यहां जो प्रवृत्ति वो मिथ्याचार, और उसका व्यवहार क्या होगा, विचार, वचन और चेष्टा, ठीक है ना। तो विचार ना विपरीतता ये है, तो ये विपरीतता कहां से आई, कैसे आए बोलो, जिस स्वरूप में विपरीतता नहीं है, दुख नहीं है, आएगा कहां से, क्या करें, वो तो भीतर से रोना आता है, भीतर रोना है ही नहीं, तुम बाहर का लक्ष्य करते हो इसलिए रोना आता है, भीतर का अंतस्थ तत्व को लक्ष्य करो और रो के बताओ हमको, आत्मा का लक्ष्य करो और रो के बताओ, बता रो कोई ना, एक एक भी रो के बता दो, बैठा है यहां और लक्ष्य कर रहा है, पर क्या करें जी, लड़का मानता ही नहीं है, अब बता रोना आता है, तो लड़के का लक्ष्य है कि नहीं है, बैठा अकेले में, उसे क्या मतलब, उपयोग का विषय तूने आत्मा नहीं बनाया, अंधेरा इसलिए नहीं है कि कमरा कच्चा है, अंधेरा इसलिए नहीं है कि उसमें कोई बढ़िया फर्नीचर नहीं है, अंधेरा इसलिए नहीं है कि वहां 10-20 लोग नहीं बैठे हैं, अंधेरा इसलिए है उसमें दीपक नहीं, बोलो, दुख इसलिए है कि हमारी दृष्टि में आत्मा नहीं है, अरे हमारे विचारों में आत्मा नहीं है, नहीं दुख इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, दुख इसलिए कि हम बीमार हैं, दुख इसलिए हमारी कोई मानता नहीं है, बोलो, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, ये दुख के कारण है। और शास्त्र में पढ़ोगे प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाओगे, लेक्चर झाड़ोगे, पर सुख दुख का कारण नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, कभी नहीं है, किसी के लिए नहीं है, तेरे लिए भी नहीं है, पर को दुख का कारण मानता हो तो छोड़ दे। जब जब तुझे दुख के कारण परद्रव्य दिखाई देते हो और उनमें परद्रव्यों में हीरा फेरी करने का भाव आता हो, तब तक भी इस वाक्य का प्रयोग करना। हमने क्या कहा था,
ये वचन लिखे है ना, शास्त्र में लिखे, यहां लिखे, मंदिर में लिखे, ये गोलियां हैं। बुखार आया तो बुखार की गोली खाई, खांसी आ खांसी गोली खाई। ऐसे जब तुम्हें विपरीत विचार आए तो कोई विचार कर लेना, टेंशन आए तो विचार कर लेना, रोना आए तो विचार कर लेना, ये गोलियां हैं। अब गोली धरे रहो, सीसी में पूजत रहो, बाबा आरती करते रहो, उस गोली को अपने रोग की दवा समझ करके सेवन करना। पंडित जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किए टोटरमल जी ने मनोदशा को, मानो किसी और ही की बातें करता हो, प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाता है। विचार तो कर, यदि ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। तुम झूठ बोलते हो, हम थोड़े ही बोलते, हम तो सही हो समझते हैं, सही करते हैं। अरे रे प्रभु, मिथ्या को सम्यक मानने वाला जी कैसे सम्यक को प्राप्त करेगा? अब आज हम ये कह रहे हैं, वह महातत्व आत्मा कोई और नहीं है, वह हम ही तो हैं। वह हमसे दूर नहीं है, तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर। वह आत्मा कोई अन्य नहीं है, जिसको तूने अपना माना मैं माना वह अन्य है। क्या ये शरीर अन्य है, ये कर्मोदय अन्य है, ये माता पिता परिवार ये अन्य है, ये इंद्रिय ज्ञान अन्य है, ये रागादिक भाव अन्य है, ये पंचेंद्रिय के भोग अन्य है, ये विकल्प अन्य है, वो आत्मा अन्य नहीं है। जो उत्तम तत्व है, महातत्व है, परम तत्व है, वो अन्य नहीं है। चेतक है सो तो, ज्ञाता है सो तो, दृष्टा है सो तो मैं ही हूं। सच्ची बात है, सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी नहीं, सच्ची है। अच्छी तो भली होनार से लग जाए तुम्हारी, लेकिन सच्ची बात है। अच्छी लगने पर पुण्य बंद होता है, अच्छी नहीं लगती ये बातें उन्हें पाप बंद होता है, लेकिन जब सच्ची लगती है तब सम्यक के सन्मुख होता है, और जब स्वानुभव में भाषित होती है यही है ऐसा ही है नान्य अन्य प्रकार है तब सम्यक होता है। वह आत्मा कोई और नहीं है, उसकी प्राप्ति में बाधक कौन है? प्रवचन सार जी से बोलो, मोह में चली बहिर्मोह दृष्टि, मोह ही तो बाधक है। जब वस्तु रखी है अपने हाथ से रखी है तो भी क्यों नहीं मिल रही? अंधेरा तो है, भाई है वस्तु, हमने ही रखी है, अपने हाथ से खुद रखी है। कर का धरा ना पाइए जो कर दिया ना हो, अंधेरा ही तो बाधक है। रास्ता है, रास्ता दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? अंधेरा ही तो बाधक है। बाहर में जो अंधेरे का काम है, अंतर में वही मोह का काम है। बाहर में जो प्रकाश का काम है, वही अंतर में ज्ञान का कार्य। ज्ञान जैसा प्रकाश नहीं, मोह जैसा अंधेरा नहीं, कर्तत्व जैसा बोझा नहीं, लोभ जैसी कीचड़ नहीं, क्रोध जैसी अग्नि नहीं है, विश्व में नहीं। उस आत्म तत्व की प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ बोलो अनुभूति। कैसी अनुभूति? महा आनंदमय है, उत्तम सुख का कारण है। यो धरते उत्तम ए सुखे,
जो धर्म उत्तम सुख में धारण कराता है वह धर्म है कौन सा? आत्मानुभूति, वही तो धर्म है। महाराज सावकाचार्य जी में तो कुछ और लिखा है कि हाँ वो चरणानुयोग पद्धति से उस स्वानुभूति के निमित्त और सहचर परिणाम और क्रियाओं का वर्णन है। वो चरणानुयोग पद्धति का अर्थ लेना चाहिए। बाधक कौन है? मोह। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी की टीका पूरी करने के बाद एक काव्य लिखा, मोह में मत नाचो। मोह में मत नाचो, किस मोह की चर्चा की? विश्व सहित आत्मा व्याख्या है, वाणी का गुंथन व्याख्या है और अमृतचंद व्याख्याता है, ऐसे मोह से मत ना। ठीक है ना, वो प्रासंगिक कथन है। इसका मतलब अब अपने जीवन में घटा, मैं करता हूं ये सब मेरे काम है, इस मोह में मत ना। व्याख्या करना भी मेरा काम है, मैं व्याख्याता हूं, मोह में मत नाचो। सर्व विशुद्धि अधिकार भी समय सारी का कर्ता कर्म अधिकारी का एक विशेष रूप है। मोह में मत नाचो, अमृतचंद व्याख्याता है। अमृतचंद स्वामी ने तो अपने संबंध में लिखा है, तुम अपने संबंध में समझना। मोह में मत ना, फिर क्या करें? फिर कहा नाचो, कहा है? कैसे नाचो? स्यादवाद विद्या के बल से, स्यादवाद विद्या के बल से। कैसा स्यादवाद? स्वरूप से है पर रूप से नहीं है, अपने कार्य का करता है पर के कार्य का करता नहीं है। निमित्त निमित्त संबंध सहज बनता वो अलग है। निमित्त का मतलब कर्तव्य तो नहीं ले लेना चाहिए। मोह में मत नाचो और फिर नाचो, कैसे नाचो? स्यादवाद विद्या के बल से। हा, त्यागवाद विद्या, कहीं अनेकांतवाद विद्या, कई शब्दों का अंतर है। वो विषय की अपेक्षा कह दिया, ये कथन की अपेक्षा कह दिया। शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय। त्यागवाद विद्या के बल से विशुद्ध ज्ञान कला के द्वारा, विशुद्ध ज्ञान कला कहो, भेद ज्ञान कला कहो, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला कहो, एक ही बात है। विशुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान अशुद्ध मलिन विपरीत है। क्या? जो अपने को नहीं जानता पर को अपने से भिन्न नहीं जानता वह ज्ञान विपरीत है, अज्ञान है। अशुद्ध खून, कैसा अशुद्ध खून? इसके साथ पी मिला है, जहर मिला है, अशुद्ध खून निकाल दो, निकल जाने। घोड़े का ऑपरेशन करते ना तो निकाल दो जब तक साफ खून ना आ जाए। साफ ही खून रखने लायक है, अशुद्ध खून काट दो, जहर फैला है अशुद्ध, उसके पर के साथ मिला हुआ। समय सार जी की भाषा बोलो, टीका की, पंडित जी की, जयचंद जी की, अशुद्धता परद्रव्य के आती है।
पर फिर भी वहां मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं हो जाता। अशुद्ध ज्ञान में अशुद्ध मोह ही है, ज्ञान अशुद्ध नहीं हो गया, घबराना नहीं। लेकिन जो ज्ञान पर को अपना जान रहा वो ज्ञान अशुद्ध है। शायदवाद विद्या क्या कहती है, पर रूप नहीं है, स्वरूप है, पर से नास्ती, भिन्न न्यारा, अपने से अभिन्न अस्थि, ये शायदवाद विद्या है। शायदवाद विद्या विद्या वाचस्पति कौन है, विद्यावाद बस ही विद्या पढ़ने से विद्या वाचस्पति हो गया। अरे कैसी भैया, शायदवाद विद्या जो पर से भिन्न अपने को जानता है वह विद्या वाचस्पति है। विद्या वाचस्पति पता ही नहीं है। अविद्या कुविद्या विद्या शब्द है कि नहीं, श्यादवाद विद्या विद्या है। श्यादवाद विद्या के बल से जो देव और आत्मा को एक कहा जाता है, किसी विविक्षा से ही कहा जा रहा है, देह जीव दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, और व्यवहार का कोई अपेक्षा भी है, प्रयोजन भी है। क्यों, देव और आत्मा का संयोग है कि नहीं, जैसे कपड़ा उतार के धरिया शरीर उतार के धर के यहां नहीं आ जाओगे अभी तो। देह में पीड़ा होगी तो तुम्हारा उपयोग अभी देह में है, आत्मा में लीन नहीं है, तो वहां जाकर के रोग होगा तो वहां फिर तुम्हारी पीड़ा भी होगी। देह के घात होने पर परिणाम में संक्रिस्त आ जाएगी तुम्हारे मोही जीव के, इसलिए देह का भी घात मत करो, आत्मा का घात तो होता ही नहीं। एक भाई बोले कि देखो हमारी समझ में नहीं आती, आत्मा का घात तो होता नहीं और शरीर पुद्गल है, उसके घात से कोई मतलब नहीं, फिर हिंसा काय की होती, काय की हिंसा होती। बिल्कुल ठीक है, भाई देह तो पुद्गल है, उसे क्या मतलब, और आत्मा का घात तो होता नहीं। अरे रे प्रभु, देह को अपना मान करके तू अपने ज्ञान सुख का घात कर रहा, वह हिंसा है। रागादिक भावों की उत्पत्ति होती है देह के लक्ष्य, वह हिंसा है। सामने वाले जीव को एक चांटा दिया, एक धक्का दिया, तो उसके अंदर में क्रोध परिणाम उत्पन्न हुआ ना, वह हिंसा हुई है, और वो गिर गया, वो द्रव्य हिंसा कही गई। और तेरे अंदर में जो क्रोध परिणाम हुआ, चांटा दिया और ये किया, बड़बड़ाया, ये तेरी हिंसा है, और जो तेरी जो चेष्टा हुई उसको भी उपचार से द्रव्य हिंसा कही गई। पर द्रव्य का ग्रहण होता ही नहीं, फिर चोरी नाम का पाप होगा क्या। ये सब व्यवहार न्याय के कथन है, पाप पुण्य धर्म की बातें जो हैं, ये सारा व्यवहार न्याय का विषय है। कहां परमार्थ से शुद्ध आत्मा में बंद मोक्ष है ही कहां, बंद मोक्ष परिणामन सो ही, बंद मोक्ष परिणामन में ही बताओ काय में है। यादवाद विद्या के बल से अभ्यास बन इसमें, और एक शब्द जोड़ दो, शास्त्र में नहीं है, संक्षिप्त कथन है और, लेकिन जोड़ो, यादवाद विद्या के अभ्यास के बल से, वेद ज्ञान के अभ्यास के बल से, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बल से, इनसे बल आता है। अब आप समझो कमजोरी कमजोरी, ये अभ्यास नहीं करते इसलिए कमजोर है। जितने कमजोर हैं, देखो जितने बंधे हैं वेद ज्ञान के अभाव में, जितने मुक्त हुए हैं वेद ज्ञान से हुए, पढ़ाए ना। अब समझ लो जितने कमजोर हैं वेद ज्ञान के अभ्यास के अभाव में, और जितने बलवान हैं, जिस बल से मोह को जीता जाता है, कर्मों को जीता जाता है, इंद्रियों को जीता जाता है, वह बल वेद ज्ञान के अभ्यास से आता है। उसी बल को बल कहते हैं, भौतिक बल है बाद वहां की, तो ये शरीर का, वचन का, पैसे का बल और जन समूह का बल, सेना का बल, ये सब ये बल नहीं है, बल मद है।
बल मद, आठ प्रकार के मदों में बल मद है ये। मेरे पास इतनी सेना है, समझते क्या 50 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे 50, तेरी आयु को बढ़ा देंगे, तेरे दुख को बांट लेंगे। विचार कर, हमारे पास इतना पैसा तो कहा करे वो पैसा, पैसा करेगा क्या जो बताओ। आखिर कर्मोदय की स्थिति बनेगी, भवितव्य के अनुसार जो होगा उसके अनुसार तुम्हारी सहन शक्ति आया, ये बल है। वो तेज इतना हो किसी प्रसंग में, खिन्न नहीं हो, गाली सुन मन खेद ना आनो, ये बल आशीर्वाद विद्या के अभ्यास से आए। ताकत है तुम्हारी, ये दुपट्टा छोड़ दो। अरे अबे तो अच्छा है, अबे काहे को छोड़ दे, ले हम नया दे रहे, नया ले लोगे और जे बन जाए काम आ जाए धर बन जाए। उस किसान को कूड़ा फेंकने में भी, अरे खेती में काम आया, कूड़ा इकट्ठा कर दे रहे, परिग्रह कूड़े ही तो है। और है तुम जो घर में इकट्ठा कर रखते हो, कूड़ा नहीं है तो है काजे बताओ। ए महाराज नई नई बढ़िया बढ़िया सामान तुम कूड़ो कह रहे, तो हम कहा कहें बोलो, कूड़ा ही तो है, धूल ही तो है, माटी तो है, तेरे उपयोग को मलिन करने में निमित्त ही तो है, सुख का निमित्त तो नहीं है, सुख का कारण तो नहीं है। जिस वेद ज्ञान के अभ्यास के बिना, इस यादवाद विद्या के अभ्यास के बिना, अरे ये कुछ भी छोड़ना कठिन होता है, वक्त का छोड़ना कठिन होता है, है जरा कुछ चाहे ये समझो बहुत गंदी चीज है उसको भी छोड़ना कठिन है। बच्चे ने तमाम सामान इकट्ठा कर लिया होते उसे अपने थैली में, एक दिन तुम्हारा मन आया तो थैला खुला, ये क्या रख रहा, फेंक दे इसको पत्थरों को, ये कागज फागज क्या काटे कर फेंक, कैसे फेंक, कहीं ऐसी दशा तो नहीं है, ऐसी दशा तो नहीं है। जिस वेद ज्ञान के अभ्यास के बल से 6 खंड का वैभव भी छोड़ना ऐसा है, ऐसे जी सोचेंगे विचारेंगे, आपने कहीं से विचार करेंगे, कर लो तुमने विचार, तुम नहीं कर पाओगे, तुम का विचार करोगे, मोह में मोह से ग्रसित क्या विचार करेगा तब तुम, मोह की तीव्रता में तत्व विचार नहीं होते, मोह की तीव्रता में तत्व विचार नहीं होते, नहीं होते, नहीं। विपरीत मान्यता एक नहीं होती, सबरी होंगी पूरी की पूरी, सात तत्व संबंधी भूल होगी, देव सात गुरु संबंधी भूल होगी, स्वपर भेद ज्ञान की भूल होगी, और नहीं होगी तो एक भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आधी भूल निकल गई आधी रह गई, यादवाद विद्या के बल से विशुद्ध ज्ञान कला को प्रकट करके अव्यग्रता पूर्वक नाचो, अपने स्वरूप में नाचो। मैं कोष्टक में अर्थ किया, परमानंद रूप परिणमित हो, नाच का मतलब इस नाच में उछल कूद नहीं है, परमानंद रूप परिणमित होना इसका नाम नृत्य है। रोम रोम, ये शरीर के तो अपेक्षा रोम रोम कहा जाएगा, आत्मा की अपेक्षा प्रदेश प्रदेश, प्रांजल प्रदेश प्रसिद्ध, आप समझो सर्वांग। नाचने का मतलब जब तक आप पूरे आनंद तो नहीं होगे नाच नहीं सकते, वो पेशेवर नृत्यकार उनकी बातें अलग है, उनकी हम नहीं कह रहे, उनसे क्या मतलब, या प्रदर्शन के लिए नृत्य करना वो अलग बात है, लेकिन जब तक अंदर में आनंद नहीं आएगा नृत्य कहां से होगा। मोह में भी आनंद मानता है तब तो नृत्य कर रहा नाच रहा, उस मोह के नाच को कैसे कहा है पंडित जी ने, बनारसी दास जी ने, नाच नाच मर जाए मरी कैसे चुए,
नाच नाच मर जाए, मरी कैसे चूहे। इस मोह से मत नाचो। तो वहां कर्ता कर्म की बात आई ऐसे ही, ये हमारे हैं मोह में, हम इनके हैं मोह में मत नाचो। हमारे घर, हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, मोह में मत नाचो। गीता में अर्जुन को संबोधन किया, क्या कर रहे हो, कैसे इनको जीत पाएगा। अब वहां तो वो युद्ध के प्रसंग की चर्चा थी, यहां तो धर्म युद्ध की बात है, इसमें उछल कूद नहीं है। जी हमारे हम इनके, मोह में मत नाच। तो फिर त्यागवाद विद्या के बल से मैं आत्मा हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसे विशुद्ध ज्ञान कला को प्रकट करके आनंद परिणमित हो। इतनी पढ़ाई बहुत है, और इतनी पढ़ाई के बिना सारी पढ़ाई व्यर्थ है। और जब तक भीतर ये घुसा रहेगा तब तक आप उधर ही भटकते रहो। जैसे मोह वाला जी है, देखो भाई कल्याण तो करना है, बात तो सही है, लेकिन चार छह साल हम अपने व्यापार कर लें, फिर कमा लें, फिर व्यवस्था कर लें, तब अपने भाई। चार छह साल को पट्टू लिखो तुम, तुम्हें होश है, चार छह साल को पट्टू है। पहले हम व्यवस्थित पढ़ाई कर लें, व्यवस्थित मती तो व्यवस्थित कर लो, पढ़ाई है क्या इसको तो समझ लो। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। व्यवस्थित पढ़ाई माने पहले बाल बोध पढ़ो, फिर वितराग ज्ञान पढ़ो, फिर तत्व ज्ञान पढ़ो, फिर छैडाला पढ़ो, फिर द्रव संग्रह पढ़ो, क्रम से पढ़ लो व्यवस्थित। अरे क्रम, क्रम जानते हो, प्रथम श्रुत ज्ञान के बल से ज्ञान स्वभावी आत्मा। बोलो क्रम क्या है बता। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान, प्रथमे सुदृष्ट सो शरीर रूप की ये भिन्न, और व्यवहार बताए। प्रथम देव अरहंत सुसुत से दांत जू, गुर्निर ग्रंथ महंत मुकत पोर पंथ जू। जी पढ़ाई पढ़ो, निर्गंता मुक्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। शब्द पकड़ लाए, बस हमें नंगो होने। अरे नंगे ऐसे नंगे नहीं हो पाओगे। नंगे का मतलब क्या होता है, एक धागा नहीं रहे, ऐसे ही नंगे का अर्थ क्या होगा, निर्गंध का, परमाणु मात्र मेरा नहीं। बहुत महत्व की बात है, चाहे सूक्ष्म समझो चाहे स्थूल समझो, सच्ची बात है। घर त्याग का मतलब ये नहीं है कि एक घर वो छोड़ दिया ईंट पत्थर का। घर त्याग माने कहीं घर जैसा नहीं मानना, घर जैसी सुविधाएं नहीं चाहना, घर जैसे भोगों के लिए नहीं ललचाना। ऐसे तो घर का भी नाम रख देते, चैतन्य विलास, चैतन्य निवास, ज्ञायक सदन, चैतन्य सदन, शांति कुटीर, यानी काका बढ़िया बढ़िया लुभावने नाम रखते हैं विज्ञापन के, लेकिन इससे मोह हो ही मिट जाएगा। बढ़िया बढ़िया दसवीं साहित्य अच्छे शब्द बोल जाने से कोई विद्वान थोड़े हो जाएगा। विचार करो, वेद पंडित नाम कहावत हो, रे प्रभु मोह में मत नाचो। जे मेरे हैं मैं इनका हूं, जे मेरे थे मैं इनका था, याद करके रो मत। जे मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा, यथार्थ अयथार्थ, अयथार्थ माने झूठे मिथ्या, अयथार्थ आत्म विकल्प, ऐसे व्यवहार जीव, व्यवहार न बोलो
का मूल जीव, मूल जीव ही आचरे। अब समझो का वो ये होंगे मूल। थोड़ी सी पढ़ाई हो गई सुजन का समझ लो कि हम कछु हो गए, ये मूल है, मूल कहीं का समझता नहीं। और तुम ये इशारा इधर कर रहे हो और कथा कर रहे पर का दोष देखे तुम मूल नहीं रहे, उसे मूल समझ रहे हो। पर को मूल समझने वाला भी कौन हुआ? सर्वथा। पर को सर्वथा मूल समझने वाला भी कौन हुआ? पर्याय मूल ही तो है आके। अरे पर को दूसरे जीवों को भी दबे दृष्टि से भगवान जानने वाला, पर्याय में भूल को जानने वाला जीव स्यादवादी है? तुमने इनको मूल और अपने को ज्ञानी कैसे मान लिया? बता कौन से नहीं माना तुम? तो महाराज व्यवहार नहीं थे, सुनो निरपेक्ष व्यवहार है कि सापेक्ष? परमार्थ सापेक्ष होना चाहिए कि निरपेक्ष होना चाहिए? और तुमने सर्वथा ये तो मूल है बिल्कुल नहीं, ये नहीं समझ सकता, कहो तो तुमसे पहले मुख चलो जा मोह में मत ना जो, ये नहीं समझ सकता है कोई सादगी से रहने वाला जी क्या के बात का हो है? ये तो गरीब आदमी जी, तुमने मापदंड कहां से कर दिया? कहां से मापदंड किया तुमने? क्या की बात का हो है? गरीब आदमी का कुछ नहीं पहने, क्या अंगूठी होती, जरा लड़फर पड़ी होती, जरा ठाट बाट के वो सूट फूट होते, हाँ बहुत बड़ा आदमी है। अरे धोखे में मत आया ना, आज अपराध करने वाले भी ठाट बाट से घूमते हैं और भी पतो नहीं पड़ पाते, और अब कैसे अपराध कर देते? ईमानदारी और धन का कोई संबंध नहीं। गरीब आदमी भी ईमानदार हो सकता है और बहुत धन वाला भी बेईमान हो सकता है। ऐसे अल्प क्षयोपशम वाला जीव भी सम्यक ज्ञानी हो सकता है और बहुत क्षयोपशम वाला भी, जरूरी नहीं। स्यादवाद विद्या के बल से, अगर स्यादवाद विद्या नहीं लगाई, तुमने नित्य भी अपने को मान लिया सर्वथा है, मैं तो भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, बिना स्यादवाद के तुमने भगवान आत्मा भी मान लिया, तो भी तुम्हारा मोह नहीं मिटा। और स्यादवाद विद्या के बल से अल्प सुतम सुत बतम, भैया हम कहा है कछु तो नहीं, इतने दोषों के खान भरे, दोषों भंडार भरे, तो अभी समझ लो मोह चला गया है। मोह माने पर्याय का ज्ञान नहीं, पर्याय में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, पर्याय रूप सर्वथा अपने को मान लेना। मोह माने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं, द्रव्य स्वभाव में अहम पना जान, वो मोह का भाव, नहीं तो वो भी मोह है। ऐसी मत है, ऐसी मत है। सदाशिव स्वरूप सच्चिदानंद भगवान आत्मा, कुटा कुछ नहीं होता, वो तो गया आत्मा आत्मा जीव जीव बस कुछ नहीं। ब्रह्म परम ब्रह्म, सबरे शब्द आ जाएंगे, लेकिन अगर स्यादवाद विद्या नहीं आई तो नहीं आपको। मोह में मत नाचो, ये मोह का नाच कब मिटेगा? स्यादवाद विद्या के बल से विशुद्ध ज्ञान कला प्रकट करके है? एक दो शब्द हमने जोड़ दिए, पढ़ लेना जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, इस सरल करने में बैठे। विशुद्ध ज्ञान कला से या विशुद्ध ज्ञान कला प्रकट करके क्या करें? अपने को आत्मा अनुभवते हुए आनंद से आनंदित रहो। नाचो का मतलब अपने को आत्मा अनुभवते हुए आनंद, जिस आनंद में न कोई उछल कूद है, न कोई दुर्विकल्प है, न कोई है संयोग वियोग है, न जिसमें मलिनता है, न जिसका अभाव है।
महाआनंद कहो, ज्ञान आनंद कहो, महाआनंद मैंने स्वयं में ही पाया। तो ये मोक्ष के नाचने की जो चर्चा की, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वहां तो व्याख्याता व्याख्या मैंने कर्ता कर्म की कही, लेकिन ये भी मोह है जी, हमारे हम इनके, ये मोह है कहां। मान लो ऋषभ देव ने दीक्षा ग्रहण की, तो बहुत से भोले जीव ऐसे भी थे, वे समझते थे आज का ये कोई स्वांग होगा, आज का कोई स्वांग होगा, वे गए और उनके स्रोत किए और ध्यान में कर। अब थोड़ी देर बाद जैसे बच्चा कहने लगा, अब चलो, अगर बच्चा बैठा हो तुम्हारा, चलो उठो, चलो उठो, ऐसे कहेगा ना। ऐसे ही बहुत से लोग ये भी समझते थे, अब चलो महाराज, अब बहुत देर हो गई, अब भोजन पान नहीं करने, अब सोने नहीं, अब घर चलो। ये बाल बुद्धि है कि नहीं, ये मोह है कि नहीं। ऐसे ही चलो, अब बहुत दिन हो गए, कहे बोलो, बहुत दिन हो गए। कभी तुम्हें घर में रहते 50 साल 60 साल हो गए सो नहीं लगत, बहुत दिन हो गए, अब चलो निकलो यहां से, घर रहेंगे आराम से। आराम से घर में रहना आराम रोग होता तो तीर्थंकर काय को और चक्रवर्ती काय को छोड़ दे घर, लेकिन मोह वहां आराम दिखाई दिया, आराम। आराम दिखाई देता, आराम, आराम कहां होगा बता, आराम। चलो भाई आराम करो, आराम करो माने सामायिक करो। ये महाराज जी कहां से अर्थ है कि यही तो अर्थ है, सियाद वाद बुद्धि आ गई। आराम करने का मतलब राम का स्मरण करो, राम का ध्यान करो, राम में, राम माने आत्मा, राम हमारे, और सारी थकान मिट जाती है उस आत्म ध्यान में, सारी खेद मिट जाता है। ये मेरे हैं मैं इनका हूं, ये मेरे थे मैं इनका था, ये मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा, यार राजी करके कुछ दिन बाद अपने हो जाएंगे, नहीं होंगे कभी नहीं होंगे। वो मैं मत ना चू, मतलब इनके लिए, इनके मोह में अपने आत्मा की होली मत जला, आत्मा का घात मत कर। इन्हें करने सूझे करने, इन्हें करने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन क्या कर रहे, शरीर काम होने अपना काम, हम बनो काम कर रहे, हम बनो काम कर रहे, पागल तू अपना काम समझ तो ले, फिर तुझे व्यवहार न से ये धर्म का काम, धर्म प्रभावना का काम भी अपना काम लगेगा, व्यवहार न से। और नहीं तो भाई नहाए वो, धो वो, खाए वो, पी वो, हम अपनों काम करें, मुंह में मत नाचो। अमृतचंद स्वामी ने कही हुए मोह में बे नाच रहे, वहां अपन थोड़े ही मोह में नाच रहे, अपन तो खूब अभ्यास कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, धर्म ध्यान कर रहे, अपन तो आराम से। और ये भ्रम में मत रहे ना, भ्रम में मत रहे ना। तीसरा नंबर बोलो, ये अच्छे हैं जो बुरे हैं मोह में मत नाचो, कोई खरा कोई बुरा नहीं। ये अच्छे हैं जो बुरे हैं जो मोह में मत नाचो, मोह है कि नहीं बोलो, इष्टनिष्ठ की कल्पना। ये जगह बहुत अच्छी है, ये बेकार जगह है, अरे मोह में मत नाचो। जहां आत्मा आराधना होती है वहां अच्छे, जहां आत्मा की विराधना होती है वो काय का अच्छा। जंगल अच्छे लगे जहां कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, विचार करो, अरे सुविधा और व्यवस्था देख रहे हो, ये सब अंतराय हैं, घात करने वाली हैं सुविधाओं में, हैं सुविधाओं की दुविधा में हैं आत्माराधन की होली जलती। ये अच्छे हैं ये बुरे हैं मोह में मत नाचो, यहां सुख होगा वहां सुख होगा, वहां सुख होगा, इन भोगों में सुख है मोह में मत नाचो।
एकत्रुपी मोह, कर्तत्रुपी मोह, भोक्तत्रुपी मोह, स्वामित्रुपी मोह, ये सब मोह के ही तो भेद प्रभेद हैं। बोलो, स्याजवाद विद्या के बल से पर से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करके, निश्चय करके, विशुद्ध ज्ञान कला के द्वारा अव्यग्र रूप से नाचो अर्थात परमानंद रूप परिणमित हो। आत्मा उत्तम तत्व है, मोह में मत नाचो। आत्मा की विराधना का बहुत बहुत घाटा है, अनंत दुख है आत्मा की विराधना का फल। अब एक क्षण भी आत्मा की विराधना मत करो, एक क्षण भी आत्मा के विस्मरण मत करो। निचली भूमिका में देह की ओर उपयोग जाए तो समेटने लायक है, धूल लग जाए तो झाड़ देने लायक है, कपड़ा मैला हो जाए तो धोने लायक है, मैला करने लायक हो बता, बीमार हो जाए तो इलाज करने लायक है, लेकिन बीमार होने लायक है? जानबूझ के बीमार पड़ो, जानबूझ के कपड़े को मैला करो, बैठेंगे आके धूरा में बैठेंगे बैठ गए, हे भैया कपड़ा मैले हो जाए, हो जाए क्या करना, अरे विचार करो, मैले करने लायक नहीं है, मैले हो जाए तो धोने लायक, ऐसे ये दुर्विकल्प करने लायक नहीं है। जबरन आ जाए मोदय जी के वृथा अन कल्पना हो, नाना प्रकार की कल्पनाएं आ जाए तो उन कल्पनाओं को स्याजवाद विद्या के अभ्यास से विशुद्ध ज्ञान कला के द्वारा नाश देने लायक, बाहर छोड़ देने लायक। दूर से चले आ रहे आप, आपके पास बैग भी है, हैं? कुछ पैरों में भी पहने हैं, ये सब बाहर छोड़ देने लायक। इनको संग में लेकर के भीतर आने लगा तो क्या होगा? वो द्वारपाल भी कह देगा भैया ये सब यहीं रख दो बाहर, साफ हो जाए हमारा सामान है। अरे सामान है तो अलमारी में रख दो, ताला लगा दो, लेकिन इसको लेकर के भीतर नहीं आ सकते आप। जब जिन मंदिर में बाहर की बातें लेकर के नहीं जा सकते, बाहर की वस्तुएं नहीं दे सकते, तो निज मंदिर में ये बाहर के विकल्प लेकर कैसे जाओ? बोलो, मोह में मत नाचो। इन सबको साथ लेकर के हम कल्याण करेंगे, दो मिलकर के कल्याण करेंगे, सुखी होंगे। कभी कल्पना मत करना, भेद ज्ञान करके ही सुखी हुआ जा सकता है, दो मिलकर के सुखी नहीं होते। गृहस्थी बस्ती है, संग है, संसार बढ़ता है, दो मिले फिर दो के, दो मिले फिर दो के, दो मिले, घर में भी यही होता है, यहां भी संग परिकर इकट्ठे कैसे होते? बोलो, भात न द्वैतमेव, कहा भात न द्वैतमेव, द्वैत भात है तुम्हें, बस इतनी ही, इतना ही पर्याप्त है। और नहीं तो पांडे राजमल जी से पूछ लो, कोई कहेगा द्वाद संघ का ज्ञान अपूर्व लब्धि है कि नहीं? अपूर्व लब्धि है स्वानुभव, स्वानुभव होने पर अटक नहीं है, और द्वाद संघ का ज्ञान भी स्वानुभव होने पर ही होता है, स्वानुभव के बिना द्वाद संघ का ज्ञान भी नहीं होगा, अज्ञान आएगा। क्षयोपशम की अपेक्षा भी ग्यारह अंग नौ पूर्व का ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और वो भी ज्ञान, ज्ञान कहाँ है? वह अपूर्व चीज नहीं है। भाव में पूजा करी तो भाव में शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र भी सुने हैं, भाव में सुने हैं, सुनाए हैं। हम तो आपको पंच परावर्तन में कहा था, ऐसे ही किसी तरह से आप वहां से आए, आप वहां से आए, आप यहां बैठे, ये कमीज पहने ऐसे बैठे इसी मुद्रा में और इसी तरह से हम यहां बैठे, अनंत बार हुआ है। पंच परावर्तन कैसे हुए? ये परावर्तन नहीं हुआ होगा,
बस ये परावर्तन नहीं हुआ कि हाँ हमारी ओर न देखो अपनी ओर देख जा। समझ में आया ना, ये काम नहीं हुआ कि इधर से उपयोग अंतर्मुख हुआ और अपने को आत्मरूप अनुभव किया। स्वानुभव अपूर्व है, आत्मा अपूर्व नहीं। आत्मा भी अनादिकाल से है, आत्मानुभव अपूर्व है, आत्मा का अनुभव विचारना।